नमस्कार दोस्तों, कैफे ओरेंजो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे लहसुन की चटनी, बहुत ही चटपटी और खट्टा मीठा। आप इस चटनी को पिज्ज़ा बेस में भी लगा के खा सकते हैं, पराठा में भी खा सकते हैं, ब्रेड में भी लगा के खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी चटनी बन के तैयार होगा। इसकी सामग्री हम देख लेते हैं। लहसुन है, थोड़ा सा सूखी लाल मिर्च, इसका हम बीज निकाल के पानी में डाल दिए हैं, और ये 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये आमचूर पाउडर, 1 चम्मच सिरका और थोड़ी सी चीनी। तो सबसे पहले हम लहसुन को थोड़ा सा सेक लेते हैं। सेक लेने से इसका कच्चापन निकल जाएगा। बस हल्का ही सेकेंगे। ये चटनी बहुत ही टेस्टी खाने में लगता है। आप एक बार बना के स्टोर करके रख लीजिए। आप 2-3 महीना तक फ्रिज में स्टोर करके रखिए, खराब नहीं होगा, बाहर में भी खराब नहीं होगा, क्योंकि इसमें पानी नहीं डालना है। पानी डालने से ही कोई भी चटनी या अचार खराब होता है, तो इसमें पानी नहीं पड़ेगा। पानी की जगह सिरका डालेंगे और दही इसमें नहीं पड़ेगा। दही के जगह इसमें हम आमचूर पाउडर डालेंगे, क्योंकि हमको लंबे समय तक रखना है। तो अगर आप 1 सप्ताह 15 दिन के लिए बना रहे हैं तो अमचूर के जगह आप इसमें दही डालें। बस ज़्यादा नहीं करना है। ये देखिए हल्का हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम एक मिक्सी जार में ले लेते हैं। ये सारे लहसुन को हम इसमें ले लिए हैं और इसी में हम डाल देते हैं ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और ये जो मिर्ची हम दिए हैं इसको भी हम निकाल के ले लेते हैं इसमें। जो मिर्ची का पानी है ये उबाल के हम दिए हैं, इसी के पानी से हम थोड़ा सा इसमें डाल के मिर्ची को पीस लेंगे और लहसुन को। अमचूर का पाउडर भी हम इसी में डाल देते हैं। अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए इसको हम पीस लिए हैं, और ये पैन में हम 1 चम्मच घी डाले हैं। घी में बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। घी गर्म हो गया है, इसमें हम 1 चुटकी हींग डाल देते हैं। और इसमें इस मिश्रण को भी हम डाल देते हैं। गैस का फ्लेम कम करके हम इसमें फ्राई होने देते हैं। ये जो सिरका है हम इसमें डाल के धो लेते हैं अच्छे तरीके से, जो मिक्सी में लगा हुआ है। और इसी में हम फ्राई होने देते हैं।
इसी में हम 2 चम्मच चीनी डाल देते हैं, आप गुड़ भी डाल सकते हैं। गैस का फ्लेम कम करके ही इसको पकाएं ताकि ये नीचे तली में पकड़े नहीं। इसका खुशबू बहुत ही अच्छा आ रहा है, आप इसे जब भी बनाइए घी में ही इसको बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। तो ये देखो चटनी बनके तैयार है, साइड से देखिए छोड़ दिया है पूरा, और इसका थिकनेस भी देखिए। ये देखिए बिल्कुल जैम ऐसा लग रहा है। तो मेरा चटनी बन गया है, अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसमें हम आधा नींबू डाल देते हैं इसका रस। और इसे हम मिक्स कर देते हैं। तो कितना जल्दी ये चटनी बनके तैयार हो गया है, हम इसे बॉल में निकाल लेते हैं, ठंडा होने देते हैं। ये देखिए तो ये देखिए कितना अच्छा चटनी बनके तैयार हो गया है, हम आपको एकदम नजदीक से दिखा रहे हैं। देखिए इसका थिकनेस। तो आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। एक बार जरूर ट्राई करें ये चटपटी खट्टी मीठी लहसुन की चटनी, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप ब्रेड पराठा किसी के साथ भी आप इसको लगा के खा सकते हैं। तो फिर मैं अगले व्यंजन के साथ मिलूंगी। धन्यवाद।